नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हाथरस हादसे में बनी एसआईटी की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी गई है। 855 पेजेस की इस रिपोर्ट में कुल 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद यह हादसा हुआ, वो भोले बाबा कहाँ हैं, क्यों उनकी तरफ से हाथरस कांड के पीछे साजिश का शक जताया जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय खास मेहमान भोले बाबा के वकील हैं एपी सिंह जी, वो मौजूद हैं, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, और साथ ही हाथरस कांड के ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल मौजूद हैं, जिनके साथ हाथरस कांड के चश्मदीद राजेश प्रताप, अवनीश कुमार, ब्रज बिहारी कौशिक, राजकुमार मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। एपी सिंह जी, शुरुआत आपसे सर। 80,000 लोगों की परमिशन ली जाती है, लाखों के करीब लोग पहुंच जाते हैं, जिम्मेदारी किसकी? ये आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है। 80,000 से अधिक परमिशन में लिखा है, 80,000 से अधिक, लेकिन हाँ संख्या अधिक आ गई, ये मैं आयोजकों की तरफ से मान सकता हूँ। इसके पीछे ये भी कारण रहा, क्योंकि फरवरी से जून तक भारत में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लगी थी। उस दौरान मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजन समितियों ने कहीं कोई आयोजन नहीं हुआ, तो कहीं कोई आयोजन नहीं हुआ क्योंकि नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उस दौरान ये जो टाइम लगा, इसके दौरान जो आस्था श्रद्धा थी, हो सकता है ये भी कारण एक रहा हो अधिक संख्या आ जाने का। सोचा था 80,000 से अधिक की परमिशन ली गई थी, लेकिन ये संख्या इसलिए भी अधिक आ सकती है क्योंकि फरवरी से जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसकी वजह आप मुझे बताइए, मैं कह रही हूँ कि इसके लिए गलती किसकी है, मतलब जो आयोजक हैं, जो बाबा के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ये परमिशन मांगी थी ना सर, और वहाँ हजारों के नाम पर लाखों लोग जुटा लिए जाते हैं, करीब 3 लाख लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो इसके लिए तो गलती माननी पड़ेगी ना बाबा को, आयोजकों को। नहीं, गलती तो नारायण साकार रही, तो सफल और सही आयोजन होके 30 से 35 मिनट पहले अपना वहां से समापन करके, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का समापन करके वहां से चले गए थे 30 से 35 मिनट पहले। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, भगदड़ नहीं होती, कभी नहीं होती, हर महीने प्रथम मंगलवार को ऐसे आयोजन होते हैं कहीं ना कहीं जनपद शहर में, लेकिन ये एक एंटी सोशल एलिमेंट्स की सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था, जो कि नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए और साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम पूरी तरह समाप्त करने के लिए। आप जो बात कह रहे हैं, मैं सीधे ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल मौजूद हैं, उनके साथ चश्मदीद मौजूद हैं। अहमद बिलाल, यहाँ पर बाबा के वकील ये कह रहे हैं कि साहब ये साजिश थी, एंटी सोशल एलिमेंट्स पहुंच गए थे, ये भगदड़ नहीं थी, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स पहुंचे और उन्होंने साजिश कर दी बाबा को बदनाम करने के लिए। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं, आंखों देखी? बिल्कुल रुमाना, देखिए मेरे साथ वो 4 शख्स मौजूद हैं जिनके बयान जो जुडिशियल इंक्वायरी इसमें सेटअप की गई है, उनके सामने भी इन चारों ने अपना बयान दिया हुआ है। और जो वकील कह रहे हैं, जो साजिश की बात बता रहे हैं, हम उनसे ही जानेंगे। अवनी जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि भोले बाबा के जो वकील हैं वो बता रहे हैं कि एक साजिश की गई, कुछ लोग आए, स्प्रे की भी बात कही जा रही है वकील से। आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जब ये भगदड़ मची, क्या वहां पर कोई इस तरीके की बात हुई थी, कोई साजिश या स्प्रे किया गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम घटनास्थल के पास ही थे, जहाँ पर घटना घटित हुई वहीं पर खड़े हुए थे डिवाइडर के पास, ना कोई स्प्रे का हुआ, ना कोई भगदड़ कर्मी ऐसे थे, लोग थे आपत्तिजनक, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जहाँ भगदड़ का कोई किसी ने ऐसा किया हो उस जगह। ये सब सारी झूठी बातें हैं, जो वकील साहब कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था, हमने अपनी आंखों से मौजूद देखा। और वहाँ पर जब तक घटना स्थल पर हम रहे, जब तक लोगों के काफ़ी लोगों को निकाला भी हमने वहाँ से, डेड बॉडियों को भिजवाया भी, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकर आइए वकील साहब को। एपी सिंह साहब, सुना आपने, चश्मदीद कह रहे हैं वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत किससे यहाँ पर सुना रहे हैं, भोले बाबा का बचाव कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब वकील साहब, है ना एपी सिंह जी? ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंजर्ड भी कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं ऐसे ये इंजर्ड नहीं है। रुमाना खान जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एबीपी न्यूज चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है,
ये जो कह रहे हैं ये इंजर्ट ने मुझसे जो कहा है, इंजर्ट ने कहा है, जिन्होंने ऐसी पॉइजनिक स्प्रे के बाद एकदम सांस ली, जो महिलाएं गिर गई, जो औंधों में गिर गई, जो कुछ बच गई, जो वो बता रहे इंजर्ट, जो मैं हाथरस हॉस्पिटल गया, एटा गया, अलीगढ़ गया, तो वहां के इंजर्ड और वहां के लोगों ने बताया मुझे, तब मैं इस बात को कह रहा हूं। वैसे नहीं सर, आपकी बात क्यों माने का देश? आपने जबरदस्त डिफेंस तैयार कर लिया, आप तो मुझे नहीं पता कब गए, लेकिन सर मैं तो जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन ही सुबह से वहां पर तैनात थी, और आपने भी देखा होगा सर मौसम कैसा था वहां पर, आपने भी देखा होगा वहां पर जमीन कितनी चिकनी थी, जरा सा पाव फिसले तो संभलने का मौका नहीं मिलता है, आपने भी देखा होगा सर। और ऐसे में बाबा की अंधभक्ति में वो जो चरणों की धूल उठाने के लिए लोग झुके, और जो शुरुआती रिपोर्ट में तस्वीर साफ हुई, जो SDM साहब ने DM साहब को रिपोर्ट भेजी है, जो सूत्र बता रहे हैं, और ये वो लोग बैठे हुए हैं सर जिन्होंने बाकायदा SIT ने वो जो रिपोर्ट तैयार की है ना, 132 गवाह, ये उन गवाहों में है। इनको झुठलाना इतना आसान नहीं होगा AP सिंह जी, क्यों ना माना जाए कि बाबा को बचाने के लिए आप यहां पर मनगढ़ंत दलीलें गढ़ रहे हैं। AP सिंह आइए, इंजर्ड से अधिक कोई अच्छा नहीं बता सकता। आप वहां गई, आपने देखा होगा टूवर्ड्स, जब अलीगढ़ से एटा की तरफ जाते हैं, पंडाल राइट साइड है डिवाइडर के, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर के एक तरफ चार रास्ते हैं हाईवे के, दूसरी तरफ चार रास्ते हैं। पंडाल जब अलीगढ़ से आते हैं तो राइट साइड की तरफ दूर पीछे पंडाल है, और लेफ्ट साइड ये घटना हुई है सड़क की, लेफ्ट साइड ये घटना हो रही है जहां महिलाओं का पूरा वो था, जहां महिलाओं की तरफ, इसीलिए सॉफ्ट टारगेट महिलाओं को किया गया कि महिलाएं हैं इधर से, और वो तेजी से भागे, स्प्रे किया गया, गिरने लगे लोग, औंधे में गिरने लगे, और वो जो रोड पर जाकर जो सीधी गाड़ियां खड़ी थी उनकी एटा की तरफ मुख करके, टूवर्ड्स एटा की तरफ थी, और ये एटा की तरफ वाली रोड पे हुआ, और पंडाल राइट साइड यानी कि जो एटा से आते हैं तब उस वाली रोड पर पंडाल था, लेफ्ट पंडाल राइट साइड था, और आप खुद सोचिए सर, पंडाल राइट साइड खुला मैदान, और खुला मैदान तो ज्यादा दूसरी तरफ था जहां पर घटना घटी, वहां पर तो कोई तंबू भी नहीं गड़े हुए थे, वहां पर तो कोई टेंट नहीं लगा हुआ था, और इसी वजह से तो घटना वहां पर इसलिए हुई क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा सर, पीछे पीछे बाबा निकले, उनके पीछे भक्तों की भीड़ निकली वो चरणों की धूल उठाने के लिए, और वो दूसरी तरफ ही, याद है ना आपको, अगले दिन वहीं पर फोरेंसिक टीम जो है वो टूटे हुए मोबाइल, बैग, टोपी, चश्मे इकट्ठा कर रही थी जो भगदड़ के दौरान वहां पर गिरे थे, जिन्हें छिपाने का काम आयोजकों की तरफ से किया गया था। मुझे मत बताइए सर, मैं गई थी लोकेशन पर, आयोजक क्यों करेंगे, आयोजक कौन थे, ये आरोप लगे ना, थे कौन आपके सेवादार, आपके सेवादार, सेवादार, सेवादार जो वहां इंतजाम में लगे हुए थे, सेवादारों की बहनें थी, सेवादारों की माताएं थी, सेवादारों की बेटियां थी, सेवादारों के बच्चे थे, था तो वो पारिवारिक ही एक बड़े बृहद रूप में आयोजन, सब थे तो सत्संग के आने वाले, थे तो सत्संगी भाई, जो सत्संग के थे अपने थे उनके थे, उन्होंने तो बुलाया, उन्होंने आयोजन किया, उन्होंने व्यवस्थाएं की, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, आने वाले भी उनके थे, मरने वाले भी उनके थे, जेल जाने वाले भी कोई है, बाहर का इसमें कोई नहीं है, मधुकर अगर जेल भेजा है और लोगों को भेजा है, सरेंडर किया, इसीलिए हमने उसे सरेंडर किया, इसीलिए हमने कहा कि हम कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, ना सरेंडर की, ना एंटीसिपेटरी की बेल की, ना 482 की, ना नेवल हाई कोर्ट, ना नेवल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आयोजक तो वही है, वही आयोजक है, वही बुलाने वाले, वही दरी बिछाने वाले, वही कालीन बिछाने वाले, वही मंच की व्यवस्था करने वाले, वही लाइट की व्यवस्था करने वाले, वही जल की व्यवस्था करने वाले, वही पार्किंग व्यवस्था करने, बाहरी लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो घटना हुई है वो उन्हीं के साथ हुई, उन्हीं के अपनों का सबसे ज्यादा जाने का गम हम ही को है, और ये हम ही सामने नहीं आते हैं, ये बाबा जो हैं अपनों के जाने के बाद, अपने परिवार के लोगों के जाने के बाद सामने नहीं आ पाए, है ना। और वो जिन मधुकर की आप बात कर रहे हैं उनको लेकर भी सर हमने इतनी डिबेट कर ली, हमने इतनी चर्चाएं कर ली, पुलिस की तरफ से 1,00,000 रुपए का इनाम उन पर रख दिया गया, उसके बाद वो सामने आ रहे हैं सर, मतलब ये तो बेशर्मी की हद कहा जाए सर इसको, या संवेदनहीनता की हद कहा जाए कि आप कह रहे हैं आपके अपने मर गए, आप कह रहे हैं आपके अपने परिवार के लोग मर गए, और तब भी सर आप सामने नहीं आ पाए, आप उनके दुख में खड़े नहीं हुए, नजर नहीं आया आप कहीं पर भी, क्यों
ये तो पूछा जाएगा ना बाबा नारायण साकार हरि का। तुरंत जैसे मैं एंगेज हुआ, जैसे उन्होंने, देखिए ये दुख था, 121 लोगों की मौत हुई। पहली हमारी प्राथमिकता क्या थी? कोई भी दवा के बिना, मतलब जो इंजर्ड हैं वो अधिक से अधिक सही हो जाएं, जिससे लाशों की संख्या ना बढ़े। दूसरी हमारी प्राथमिकता थी इंजर्ड को बेटर ट्रीटमेंट मिले। हमारे सेवादार लगातार एक एक व्यक्ति ने 3-3 यूनिट एक दिन में ब्लड दिया है। कश्मदीप से पूछिए अहमद बिलाल की घटना हुई तो ये सेवादार वहां पर जान बचाने के लिए लोगों के तत्पर नजर आ रहे थे। जिस तरीके का दावा यहां पर एपी सिंह साहब की तरफ से किया जा रहा है, ये सब फरार हो गए, सब अपनी जान बचाने की फिराक में थे। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ चश्मदीद है। राजेश जी, आप उस जगह पर मौजूद थे जैसा कि आपने बताया, तो फिर जैसा कि भोले बाबा के जो वकील हैं वो बहुत दावा कर रहे हैं कि जो सेवादार थे वो बहुत मदद कर रहे थे लोगों को, वहां पर तत्पर थे लोगों की मदद के लिए, भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तितर बितर करने की कोशिश कर रहे थे। आप वहां पर थे, कितनी सच्चाई है इस भोले बाबा के वकील? ना स्थल से मैं 70-80 मीटर पीछे था, परंतु ये था वहां पर जितने भोले बाबा के जो वो थे सेवादार, वो सब एक एक करके निकल रहे, जब घटना हुई तो एक एक करके निकल लिए थे। कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था? घायलों को सही करने के लोकल पुलिस प्रशासन और लोकल का व्यक्ति लगा। लोकल सेवादार क्या कर रहे थे? वो निकल गए थे। कोई मदद नहीं करी कोई घायलों? अब जितनी थोड़ी बहुत की होगी तो उन्होंने की होगी, जो मतलब हमने तो 70-80 मीटर दूर से जो हमारे साथ हमारे गाँव के जो लोग आए उन्होंने बताया भैया ऐसा बात है, भग चलो यहाँ से। ठीक है, और भी लोग हैं, आप कहां पर मौजूद थे और आपने क्या देखा? सेवादार क्या कर रहे थे जब ये घटना घट रही थी, उस वक्त सेवादार का क्या रोल? सेवादार जो है वहां पर एक दो करके निकल रहे थे। हम जो है 70-75 मीटर की दूरी पर थे तो वहां पे देखा कि ऐसी भगदड़ मची हुई है कि एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए जा रहे हैं और भागते हुए निकलते जा रहे हैं। और सेवादार क्या कर रहे थे? सेवादार तो वहां पे बहुत ही कम थे, और वो भी कम थे तो वो भी मतलब अपने दाएं बाएं निकलने की प्रयास कर रहे थे। ये सच्चाई सुन रहे हैं एपी सिंह साहब? ये सच्चाई आप सुन रहे हैं? ऐसा होता है परिवार पर जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो परिवार के सदस्य ऐसा करते हैं जैसे सेवादार कर रहे थे, कन्नी काट कर निकल रहे। कर ही नहीं सकते, यही तो बात है, अपने ये करते हैं, यही तो बात है सर, यही कर रहे थे। कोई अपनी बहन को छोड़ के चला जाएगा? चलेगा ना सर, बहन परिवार सब संग मिलने जुलने वाले सब। भोले बाबा लौट कर नहीं आए सर, भोले बाबा लौट कर नहीं आए। वो कॉल जो रिकॉर्ड डिटेल्स हैं वो ये बता रही हैं कि भोले बाबा से लगातार संपर्क में थे, घटनास्थल से फोन नंबर्स और उनको जानकारी दी जा रही थी कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है, आपके पीछे पलट कर आ जाते सर अपनों के दुख में मदद करने के लिए? आए तो नहीं भोले बाबा, यूटर्न लेकर आ जाते? जीटी रोड पर आगे बहुत यूटर्न मिलते हैं, आपको भी पता होगा, एक यूटर्न लेने की देरी थी ना, आ जाते वापस। सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं सर किस तरीके से गाड़ियां दौड़ाते हुए फर्राते से मौके से एक तरीके से फरारी हो रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, बाबा भी और बाबा के सेवादार भी। नारायण साकार हरि के पास ना तो कोई मोबाइल है, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक, ना पेज, ना लिंक्डइन, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब। आप सोचिए ना किस तरह का शुचिता का जीवन था, और उन्हें जैसे ही पता चला उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आपको हैंड रिटन लेटर साइंड है, उसके बाद आपके पास लेटर, मुझे ये बताइए ना कितने दिन बाद आया, घटना के कितने दिन बाद आया बताइए, देश को ये भी पता चले ना। आप समझिए पहली प्राथमिकता जो बोल रहे हैं ना, लाशें, कोई भी लावारिश लाश ना जाए, ये भी प्राथमिकता थी कि कोई ऐसी लावारिश लाश ना रह जाए जो अपने परिवार में ना पहुंच पाए, यद्यपि उसका लावारिश में भी अंतिम संस्कार सम्मान से होता, लेकिन ये दुख ना रह जाए कि किसी की बहन बेटी माँ चाची। आपको जरा सा इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि जो कार्य स्थानीय लोगों ने किया और जो कार्य प्रशासन ने सुचारू रूप से अंजाम दिया, जिस कार्य की कमान खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली सर, वो जिस तरीके से पीड़ितों से मिले, घायलों से मिले, वो जिस तरीके से मुआयना करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, उसके बाद ही सुचारू रूप से घायलों को मदद मिली सर, और जो अपने हैं वो अपनों के शव को सम्मानजनक तरीके से अपने घर लेकर जा सके। मैं एक बार फिर से लेकर चलती हूँ दर्शकों को ग्राउंड पर। बिलाल, आपके आसपास जो चश्मदीद मौजूद है सर, उनसे पूछिए, ये जो यहाँ पर बाबा के बचाव में दलीलें दी जा रही हैं कि साहब साजिश रच दी, कोई तो जहरीला स्प्रे था उसकी वजह से हादसा हो गया, इनका क्या कहना है? हमने ये देखा, बाबा जो कब्र लगा उसके पास पीछे काफी भीड़ आ रही थी,
कई कुछ लोग नहरे हुए थे चरणों की रज लेने के लिए, नीचे पीछे से भीड़ आ रही थी, वो धक्का से मारती मारती आ रही, नीचे लोग दबते जा रहे थे। प्रशासन हम लोग बचाने की कोशिश बहुत कर रहे थे, उनके जो सेवादार थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे। जो एक तरीके से पोल खोल रहे, असल जड़ में ये बयान ही है जो मंच से दिया गया कि चरण रज ले लीजिएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कभी किसी तरह का बयान नहीं। वहां जो पंडाल से पीछे निकल कर आए वो बैरिकेडेड था, जो रास्ता था रोड पर आ गए, जो गाड़ी से निकल रहे हैं, जो मंच पर जाके सैंडल या जूते पहने हुए हैं, कालीन बिछी हुई है, वहां से गाड़ी से बैठ के निकल लगे, किस तरह की चरण रज, किस तरह गाड़ी जा रही है, हाईवे पे रोड है, रोड मंच से ऐलान क्यों किया गया? ये झूठ बोल रहे हैं क्या? ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर जो बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ आने के लिए।